मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रगीत के रचनाकार बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर किया नमन। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्मरण करते हुए उनके योगदान को याद किया है। कहा, यह राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक देशवासियों का जन घोष बना हुआ है और अनंत काल तक बना रहेगा। आपका यह योगदान अविस्मरणीय है। हुक्का बार में कश लगाते मिले कई युवक और कर्मचारी। बिलासपुर पुलिस ने बीती रात हुक्का बार पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान कई युवक हुक्का की कश लगाते मिले। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते कर्मचारी सहित युवक को गिरफ्तार किया और मौके से पॉट व पाइप भी जब्त किया। बता दें कि प्रदेश के सभी जिले में अवैध शराब और गांजा तस्करों पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में पदस्थ MBBS डॉक्टर पर रेप का आरोप। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना में MBBS डॉक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया गया है। अंबिकापुर की रहने वाली आयुर्वेदिक महिला डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में पदस्थ MBBS PG डॉक्टर दीपांकर साहू के खिलाफ डीडी नगर थाना पुलिस में पीड़िता महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि वे रायपुर के डीडी नगर सेक्टर 2 में किराए के मकान में रहती हैं और पिछले 2 सालों से आरोपी डॉक्टर उससे शादी करने का वादा करके शारीरिक शोषण कर रहा है। महिला ने आरोपी डॉक्टर से जब शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो जांच में सभी बातें सही पाए जाने के बाद डॉक्टर के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर मेकाहरा के कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के बाद निमोरा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन की अवधि व्यतीत कर रहे हैं। CISF जवान की नक्सलियों ने की पिटाई, सिर पर आई गंभीर चोट, अस्पताल में कराए गए भर्ती। नक्सलियों ने CISF जवानों की पिटाई कर दी है। आकाश नगर में ड्यूटी पर तैनात जवान पर करीब दर्जन भर की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवान के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं नक्सलियों ने जवान का एक वॉकी टॉकी भी लूट लिया। घायल जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अनुमति के बाद भी थमे हुए हैं बसों के पहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक से दूसरे जिले बस के संचालन की अनुमति दी है। सरकार द्वारा आदेश जारी करने के तुरंत बाद ही बस मालिकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया। इस विरोधाभास के बीच बस मालिक आज फिर परिवहन सचिव से मिलेंगे। ये मुलाकात कल होनी थी लेकिन बात नहीं बनी। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह बस नहीं चलाएंगे। बस मालिकों ने सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। उनमें पहला, लॉकडाउन अवधि के आगामी 6 माह का टैक्स माफ किया जाए, डीजल की कीमतों के अनुपात में यात्री किराए में वृद्धि की जाए, नॉन यूज बसों को बिना टैक्स लिए खड़ी करने की अनुमति दी जाए। 24 घंटों में कोरोना के 18,552 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,08,953 हुआ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश में कोरोना के मामले 5 लाख पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,552 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस वायरस की चपेट में आने से 384 लोगों की मौत हुई है। डोकलाम से भी लंबा खींच सकता है लद्दाख में टकराव, LAC पर हालत जस के तस। लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव लंबा खींचने के आसार पैदा हो रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पीछे हटने पर सहमति कायम होने के बावजूद जमीन पर अमल होता नहीं दिख रहा है। सेना के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा है कि LAC पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। चीन की तरफ से पीछे हटने की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका की जेसी ने 841 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई थी रेसिंग कार। हादसे में मौत के 10 माह बाद अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। अमेरिका की चर्चित जेट कार रेसर जेसी कॉम्बस को मरणोपरांत दुनिया में सबसे तेज स्पीड से कार चलाने के रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जेसी की मौत 27 अगस्त
2019 को ओरेगॉन के अवर्ल्ड डेजर्ट में लैंड स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश के दौरान हुई थी। इस दौरान उनकी जेट पावर्ड कार ने 840 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड को पार कर लिया था। 13वीं पर सुशांत को याद कर भावुक हुआ परिवार, कहा आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत, हमारे लिए दुलारा गुलशन था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 13 दिन बीत चुके हैं। उनकी 13वीं पर उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में सुशांत को आखिरी गुड बाय कहने के साथ कई अन्य सारी बातें भी कही गई हैं। स्टेटमेंट में लिखा है, गुड बाय सुशांत, आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत, हमारे लिए दुलारा गुलशन था। वह खुले दिल का, बातूनी और तेज दिमाग वाला था। उसे हर चीज को जानने की बेहद उत्सुकता रहती थी। वह बेहिचक सपने देखता और सपनों को हकीकत में बदलने की काबिलियत रखता था। वह परिवार का गौरव और प्रेरणा था। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।